स्वयं खाएंगे तो नहीं है ना, इसलिए वेदों ने कहा कि अगर आप भोजन करते हो बिना ठाकुर जी को चढ़ाए तो भोग है। और अगर वो नहीं करोगे तो प्रसाद कैसे बनेगा है? सामने वाले को खिलाओ तो वो आपको खिला देगा। अब हम आदि मानव हैं, शेखावत जी प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, आपको साध्य करना नहीं आता है। वन प्राणियों को रहने के लिए जंगल है, प्राकृतिक व्यवस्था है। आज बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खुले हैं, उनको बोलो ना ये मौसमी के अंदर तुम्हारा बाप डालता है क्या, डालो बताओ ना कहां से आता है। केले की मिठास कौन डालता है? प्रकृति। जिस चीज को आज हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, हमारे ऋषियों ने 5470 साल पहले करके दिखाया। अब हम यही साइंटिफिक रीजन समझाना चाहते हैं। माताएं नहीं समझती, स्कंद पुराण में, मानस पीयूष में, गणेश पुराण में, अनेक उप पुराणों में भी ऐसा लिखा गया है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस समय गर्भवती महिला बाहर ना आए। हमने नहीं स्वीकार किया, लेकिन आज हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर महिला गर्भवती है तो जहां राइट का रिफ्लेक्शन होता है वहां ना जाए, गर्भ व्यवस्थित नहीं रहेगा, बच्चे को क्षति हो जाएगी। जैसे वेल्डिंग मशीन चलती है तो वहां नहीं जाने देंगे, एक्सरे मशीन की लाइट के फ्लक्स के पास नहीं जाने देंगे। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन है, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो पूरी प्रकृति को प्रकाश दे रहा है उसका रिफ्लेक्शन हम में लोगों के साथ साइंटिफिक होना पड़ेगा। अब हमारे बच्चों को रीजन समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो राधे राधे और धन बाटले आधे आधे में सनातन की ओर नहीं आएंगे। सुंदर वृक्ष है, सुंदर फल है प्रकृति में। आप देखिए शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हर ऋतुओं के आधार से फल आपको प्रकृति ने दिया है। तन और मन की अग्नि भोजन से होती है, प्राकृतिक व्यवस्था से, वहीं से स्त्री की उत्पत्ति होती है, तो उससे तन की शांति होती है, उदर अग्नि शांति होती है आपके भोजन से। अब निर्भर है आप भोजन कैसा करते हैं, तो नोट कर लेना, ब्रह्म मुहूर्त का भोजन हमेशा है ना बासाई होना चाहिए। सुबेरे के समय आप कुछ भी भोजन करो, काजू बादाम पिस्ता जो भी राम जी ने दिया हुआ, हमारे जैसे को तो पानी भी कई बार नहीं मिलता, यहाँ तो बच्चे देते नहीं तो कभी दो दाने मूंगफली पे भी गुजारना पड़ता, कभी वो भी नहीं। हमारे तिवारी जी बैठे हैं साक्षी, एक बार हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था गुरु पूर्णिमा का, ये हमारे शिष्यों ने समझा गुरु जी ऐसे और बाकी शिष्यों ने समझा हर हर महादेव, पूछ रहे हैं हमारे ऐसे चेले हैं ये सब। 12 बजे तक, अब मेरा कैसा जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता तो नींद ही नहीं रहती है अनुष्ठानों में। सुबह 3 बजे हवन कुंड से उठना, फिर सप्तशती पाठ करना, लोगों से मिलना, फिर रात को भागवत कथा करना, और आपके यहाँ जो ये आयुर्वेद की सेवा है ना, मेरे यहाँ रोज चालू रहती है, रात दिन का धंधा है वो, क्योंकि उनको बिचारों के पता है बाबा कर या मर पहले मेरा भला कर, इतनी दूर से आए बाबा, अरे बाबा कितना मेहनत कर रहा है सुबह से, मैं भी किसी माँ का बच्चा हूँ भाई। कार्यक्रम संपन्न, दीपक जबरदस्त, 150 लोगों का भोजन हो गया, गुरुजी के नाम पे कुछ भी नहीं। 1:30 बजे उठे, गुरुजी का भोजन? बोले है नहीं। बोले गुरुजी का चाय? बोले दूध भी नहीं। पूछो, समक्ष बैठे हुए लोग हैं,
तो फिर अब वहां पर तो हमने यही कह दिया हर इच्छा बलवान। उसने कहा कि अभी थोड़े एक दिन और कर, क्योंकि आज नवमी है और सिद्धिदात्री की रात है, अगर आज मैं भोजन कर लेता तो सिद्धियां नहीं फलित होती, इसलिए त्याग से ही सब कुछ मिलता है। 200 लोगों का भोजन हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मेरे नाम पे हर हर महादेव, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, वो प्रकृति उस तरीके से आपसे करवा लेगी, आपके भोग, आपके भाग्य, आपके संचित कर्म, आपके प्रारब्ध, वो यश आप जिसके काम करवा लेते हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम समझते हैं ये हम कर रहे हैं, नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज रियली ड्रामा, ये पहले से ही निर्धारित है आपको कितनी दूर चलना है। सृष्टि की व्यवस्था की जा रही है, चिंता होती है ना, मेरा बच्चा भूखा है, आप भी सोचते हैं मेरी खेती पड़ी है उसमें फसल नहीं लगेगा, मेरी बच्ची ऐसे, परमात्मा को भी थोड़ी सी चिंता होने लगी है कि अब हलाहल हो गया है, प्रलय हो गया है, सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महादभिः सम्भूतम खोटस कलमादो लोकसी श्री छया यस्यां बस शयनस्यां योग निद्रां वितन्वतः हृदयाम्बुजादासी दोह्यां विश्वसृजता प्रति। सूत जी कहने लगे देव ऋषि नारद, जागृहे परुषम रूपम, सृष्टि के आदि में परमात्मा श्री हरि की इच्छा हुई अवतार की, तो आप ध्यान लेंगे कि जितने अवतार हुए हैं सब में कुछ कलाएं कमी रही, लेकिन भगवान कृष्ण में 16 कलाएं, और ये हमारे विप्र बंधु बैठे हैं, भूदेव है, इन्हें भी ज्ञान है कि कोजागरी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। भगवान की 16 कलाओं का व्याख्यान किया गया, पंचभूत शरीर, 10 इंद्रियां और 1 मन। इसीलिए लोगों ने कहा है कि प्रकृति में हर व्यक्ति राम और कृष्ण है। साधन परमात्मा ने सबको दिया है, साध्य करना हर कोई कोई जानता है, हर कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से पैर में अगर सिंदूर लगाए तो महावर, माथे पे लगाए तो तिलक, और मांग में लगाए तो सुहाग। सिंदूर वही है। जिस तरीके से आप रावण की बात करते हो तो जहां तक कुदंतियां हैं, छेपक है, रावण का शाब्दिक अर्थ होता है महाराज पापों का प्रायश्चित करके रोने वाला। इसका नाम रावण कब पड़ा? पहले इन्हें दशकंधर, दशानन और दशग्रीव के नाम से जाना जाता। एक बार दसों दिशाओं पर विजय पाने के बाद लंकेश कैलाश पे पहुंचा। आदमी कहता ना मैं बड़ा, क्यों तिवारी बाबा जी। तो वो दशा है कि शेष कहे कि मैं बड़ा है, शेष कहे कि मैं बड़ा, लियो धरती फन पे उठाए। शेषनाग जी कहने लगे मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने पृथ्वी को अपने फन पे उठाया।
तो महेश कहे कि मैं बड़ा लियो शेष गले लपटाए। शंकर कहते हैं मैं बड़ा हूं क्योंकि मेरे गले में शेषनाग है। और रावण कहे कि मैं बड़ा लियो कैलाश। तो न शेष बड़े न महेश बड़े न रावण बड़ा। बाली कहता है मैं बड़ा हूं। बाली कहे कि मैं बड़ा लियो रावण काख दबाए। 6 महीने अंदर रखा दर्शन कि दस मुंडों में घुड़साला का जब दीपाधार बनाया था तो दया गरीब बालिको थी तब जाकर तुम्हें छुड़ाया था। राम कहते मैं बड़ा हूं क्योंकि मैंने रावण को मारा। लेकिन एक बार कौशल्या ने पूछा था अवध में आने के बाद, मेरे लाल तुमने रावण को मार दिया। विनम्र भाव से मेरे ठाकुर ने, मेरे राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, अरे माँ चारों वेदों के ज्ञाता, 8 पुराणों के ज्ञानी मर्मज्ञ, 12 कलाओं से नहीं 14 कलाओं से परिपूर्ण, रावण में 12 थी, रावण में 14 थी, उत्तम कुल के ब्राह्मण को मां मैंने नहीं मारा, रावण के मैंने रावण को मार दिया, इसलिए कभी मैं नहीं करना। अहमेको द्वितीय नास्ति भूतो च भविष्यति। 10 ग्रीव 10 आनंद 10 कंधर, इन 3 नामों से जाना जाता था। पहुंच गया नंदी से प्रश्न किया, यहां कौन रहता है? नंदीश्वर ने कहा यहां देवाधिदेव महेश्वर रहते हैं। 10 कंधर ने कहा रे जिसको अतिथि परायणता का ज्ञान नहीं है, आओ बैठो पियो पानी 3 वस्तु मोल ना आनी, वो साधारण मानव नहीं हो सकता। ये देवाधिदेव कैसे हो गए? पढ़ना आप रामचरितमानस में नंदीश्वर और 10 कंधर का संवाद, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंदी ने कहा रे मूर्ख, अगर संत के अपने बड़े के पास जाना है तो महले मान त्याग दे, सम धन मान अस्तु सम्मान। अगर तुम मान दोगे तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा, अगर तुम किसी का मान नहीं करोगे तो तुम्हें सम्मान कदापि नहीं मिलेगा। तर्क होने लगा, आपके पास क्या है मेरे पास क्या है? बोले 10 कंधर आपके पास सब कुछ है। व्यंग भाषा बोला 10 कंधर ने। तिवारी जी कहने लगा अगर तुम्हारे शिव में इतनी शक्ति है तो बंदर जैसा मुख क्यों दे दिया, ऐसा व्यंग भाषा बोला। नंदी ने कहा मेरे प्रभु मुझे कामदेव से भी सुंदर स्वरूप दे रहे थे लेकिन वो मुझे स्वीकार नहीं, जहां मेरे कारण मेरे स्वामी की समानता खो जाए और मेरे स्वामी ने मुझे जो जगह दी कोई नहीं दे सकता। सुनो महाकाली, क्रोध में पृथ्वी पर तांडव कर रही थी, एक हाथ में खप्पर दूसरे में खड़ग, लोगों का रक्त पी रही थी, सिर काट रही थी। उस हालात में मैंने अपने चारों पैरों के मध्य में शिव को रखा और युद्ध किया, शिव के प्राण बचाने की कोशिश की, जो मेरा दायित्व था, जो मेरा धर्म था। लेकिन छोटे से ही त्याग के लिए शिव जी ने मुझे क्या दिया? शिव जी ने मेरे ये कह दिया कि नंदी तूने अपने प्राणों का भय ना करके मेरे लिए त्याग किया है, परित्याग किया है, मृत्यु से भय मुक्त होकर युद्ध किया है, तो जा
आज से मेरे हर मंदिर पे नंदीश्वर की पूजा पहले होगी और शिव की पूजा बाद में होगी। ऐसे उन्होंने मुझे पुजवा दिया, ये काम संत या भगवंत ही कर सकते। और यहां तक प्रमाण है कि अगर शिव से कुछ कहना है, शिव तक संदेशा देना है, तो नंदी के कान में कहना पड़ता है। और अनेक प्रकार परीक्षाएं ली हैं, आप कथाएं चलेंगे सुनेंगे। राम को ब्रह्म दोष लग गया था, पता है? ब्रह्म दोष लग गया था अयोध्या में, जब विजय करके गए हैं, यज्ञ संपन्न किया, तो वहां शक्तियों ने कहा थोड़े मिनट का खेल है, आपको तो ब्रह्म दोष लग गया है महाराज। बोले महाराज ब्रह्म दोष का क्या निदान है? कहने लगे शिव का आत्मलिंग ला करके उपासना करो तो ही ब्रह्म दोष से मुक्ति होगी। इसीलिए ब्रह्म दोष में बाबा जी हमारे विप्रदेव महामृत्युंजय 1,25,000 करवाते हैं और पृथ्वी पार्थिव की स्थापना होती है। बाकी महामृत्युंजय पार्थिव स्थापित करके घर में नहीं कराना चाहिए, उसका स्थान गौशाला है, शमशान है या फिर शिवालय है। घर के अंदर आप लघु मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। घर के अंदर इससे ऊंची छवि नहीं रखी जा सकती, एक साथ 3 गणेश नहीं रखे जा सकते। घर के अंदर रखी हुई मूर्ति की अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये सब हमें जानना चाहिए ना। घर के अंदर जो भी आप प्रतिमा छवि रखते हैं उसकी अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जलादिवास, पुष्पादिवास, अनादिवास, सह्यादिवास सब कुछ किया जाए, लेकिन घर के अंदर चल प्रतिष्ठा होती है, अस्थिर स्थिर नहीं होती। और हनुमान जी को कहा गया कि जाओ शिव का आत्मलिंग लेके आओ। हनुमान जी चले जा रहे हैं, यहां 2 स्वामी भक्त अहंकार में चूर हो गए हैं। नंदी कहता है देखता हूं मैं आज हनुमान जी किस हालत से आत्मलिंग लेंगे, वहां पहुंचे तो सही। नंदीश्वर ने अपने आप को कुष्ठ रोगी बना लिया है, फटे हुए कपड़े, दीन लीन एकदम पड़ा हुआ। हनुमान जी का आगमन हो रहा है, नंदीश्वर ने रुदन करना चालू कर दिया है, और एक हरिभक्त, एक परमार्थी, एक गुरु का दीक्षार्थी सोने का घड़ा मिलने वाला हो तो छोड़ सकता है, लेकिन सामने अगर एक दुखिया पड़ा है उसके दर्द को बिना मिटाए बिना सेवा किए नहीं जा सकता। ऐसे सत्संगियों को तो हम साहब बार बार प्रणाम करते हैं, यही परमार्थ की भावना। हनुमान जी के पास समय बहुत कम है, नंदी ने कुष्ठ रोगी भी बनकर के माया खेला है। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। नंदी का सेवा किया, फिर उन्होंने कहा ये मेरे जख्म भरे जा सकते हैं। नंदी ने कहा हनुमान जी से कि हमारे जख्म भरे जा सकते हैं, लेकिन इस पे लगाने वाली वनस्पति यहां मिलेगी जो बहुत ही दूर है, है ना? तो वो कहावत है ना, तिवारी बाबा नहारा है इश्क ना दुनिया थकी है, कि नहारा है इश्क न दुनिया थकी है। हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं। Yeah.
कभी थके नहीं। प्रहलाद ने भक्ति की तो हिरण्यकश्यप पर्वत बन गया, मीरा ने भक्ति की तो राणा बन गया। लेकिन आलोचना की हवा चलती थी, चलती है, चलती रहेगी, लेकिन भक्ति का दीपक जलता था, जलता है, जलता ही रहेगा। बड़ा गुमान करते हैं ये तूफान, हम दीप को बुझा देते हैं। बड़ा गुमान और नाच करते हैं ये तूफान, हम दीप को बुझा देते हैं। कद्रदान तो हम उस दिन हो जाएं जब ये जला के दिखा दे। तू को ही